Hello everyone, welcome to my channel Travel with Amy. So today I'm really sorry, I have not made a video for my introduction for this pod because it was so busy this morning, so I couldn't get a chance to make a video. But today we are in Olden and now we are heading for our skylift tour today. As you can see, this is a beautiful village in Olden. So this one, yeah, as you can see, these are the shops, but you know, if you see the prices, these are very costly because Norway is one of the most expensive, I will say, expensive country. Wherever you go, wherever you buy or eat, it's very, very costly. You can Google also. So now we are heading towards Skylift, and Skylift is one of the attraction in Olden. So most of the people, if they come in Olden, they go to see the glacier or else they go for the Skylift. So when you go up there, you can have a nice view up there. So now, I mean, as you can see, there are multiple houses, but it's far from each other. But this is actually a village, this is not a metro city of Norway. So Olden is a village, but still it's very, very beautiful place. So beautiful houses, and I love this place. And the Skylift location is not that far, it's like 5-7 minutes drive from where we docked. So it's gonna take another 5 minutes. Now you can see these houses. I mean, it's pretty nice and good houses are here. Okay, most of the people, they don't stay here. They all go to, you know, for work, like to other city, because there is no sources there they can earn money, except the drivers or also the people. तो अभी हम लोग अपने लोकेशन पे पहुंच गए और आप देख सकते हो मेरे पीछे वो स्काईलिफ्ट है. ठीक है, अभी बहुत सारा क्राउड है और हम लोग को लाइन में लगना भी पड़ेगा. एटलीस्ट 1 आवर तो लगेगा लाइन में, उसके बाद ही चांस मिलेगा स्काईलिफ्ट पे जाने के लिए. स्काईलिफ्ट आप देख सकते हो मेरे पीछे बहुत बहुत ऊपर है और यहाँ पे अभी है हम लोग. इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स. अब ये जो लोकेशन है, ये आप देखो, यहाँ से नीचे से यू हैव टू बाय अ टिकट और द टिकट आता है एक्चुअली कॉस्टिंग 900 क्रोन्स. 900 क्रोन्स मतलब अपने इंडिया के हिसाब से 8,000 रुपीस हो गया. ठीक है, ये एक जन का कॉस्ट है. अभी ये आप देख सकते हो स्काई लिफ्ट, ऊपर ये प्लेटफॉर्म दिख रहा है आपको, ये टावर. हाँ, तो यहाँ पे जाना है हमें और ये बहुत ही ज़्यादा स्टीपेस्ट है, मैं तो बोलूँगा दिस इज़ द स्टीपेस्ट. जिप लाइन तो नहीं है, बट दिस इज़ अ स्काई लिफ्ट, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँगा तो ये केबल कार बोलते हैं इसको. ठीक है, बट यहाँ का जो है ये अट्रैक्शन है. सो नाउ वी आर हेडिंग टू जॉइन दिस क्यू हियर. सो द क्यू इज़ एट द बॉटम नाउ. देन आई डोंट नो हाउ मच टाइम इज़ गोना टेक मोर, बट एज यू कैन सी द स्काई लिफ्ट इज़ गोइंग अप. It's just looking very small, but it's actually a big one. So now let's go and join this queue and wait for our turn now. Meanwhile, you can see the view here. This is a pretty good look, lake view. This side here, lake, and you can see the mountain with this snow. It's pretty nice view. So, अभी पता नहीं कितना time लगेगा. I think so. It will take 1 hour. ठीक है, हम लोग लाइन में तो खड़े हैं, इंतज़ार करते हैं कब अपना नंबर आता है. तब तक के लिए ये व्यू का नज़ारा लेते हैं. बहुत अच्छा व्यू है लेक साइड पे. ठीक है, और यहाँ पे आप स्नो देख सकते हो माउंटेन पे, बहुत अच्छा है. तो अभी हमें इधर ऊपर जाना है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, बट लेट्स सी कैसा लगता है. और मुझे हाइट से तो बहुत डर लगता है, फिर भी मैं चला आया देख करने के लिए स्काई लिफ्ट. बस स्टिल मज़ा आएगा, देखते हैं. ये देख लिए आप, ये देख सकते हो यहाँ पे साला कितने लोग आते हैं. अभी बस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, बट अभी वापस से जो कि है यहाँ नीचे तक लाइन लग गई है. ठीक है, इतने देर के बाद हम लोग ऊपर पहुँचे, अब यहाँ तक लाइन लग चुकी है और हम लोग यहाँ पे अभी फर्स्ट फ्लोर पे. तो यहाँ तक पहुँचने के लिए एटलीस्ट 1/2 आवर स्पेंड तो करना ही पड़ेगा. सो यहाँ पे हम लोग अभी आ चुके हैं अंदर और अभी वेट कर रही है केबल कार उतरने का स्काई लिफ्ट. और ये हमारा स्काई लिफ्ट आ गया है ऊपर से.
नो इसका स्पीड बहुत स्लो हो जाता है यहाँ तक आने तक, बट यहाँ पे सब लोग आप देख सकते हैं सब लोग वेट कर रहे हैं। बाय द टाइम ये स्काई लिफ्ट आ गया, आई थिंक इसके अंदर ऑलमोस्ट 30 लोग जाते हैं, 30 पीपल कैन गो इनसाइड एट वन टाइम। चलो अभी हम लोग चलते हैं अंदर देखते हैं। बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है, now I feel like this is looks like a Mumbai local as I can see there are full, we are packed now, jam packed. So now we are heading up there, so it's gonna take 5 minutes, not even 5 minutes, it actually takes 4 minutes 30 seconds to reach on the top, but this is quite you know, it's 5000 above the platform is. So, I mean, it's a pretty nice look from here, from the sky lift. I can see the glasses is not clear, so, but still, we will try to shoot the best video. और अभी I can see बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ऊपर तो पहुँच ही गए हैं, and there is no tower in between. Okay, so this is the straight line from top to bottom. Look at this, the lake. It's not actually a lake but it's a river जो कि that connected to the ocean, और जहाँ से हम लोग ऊपर चढ़े वहाँ से अभी तक तो हम लोग बहुत ही ऊपर आ चुके हैं, एंड देयर स्टिल हाफ वे टू गो, इट्स ओनली 1 मिनट पास्ट। तो और ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, सो स्टीप होने की वजह से वी कैन सी द माउंटेंस, ऐसे लगता है कि एकदम बाजू से जा रहे हैं, बट वेन यू सी डाउन स्टेयर लाइक दिस नाउ तो पता चलता है दैट यू आर और आई कैन सी द माउंटेन्स हियर। नो वरीज, विल टेक टाइम, लाइक वी विल बी हियर इन 5 मिनट्स। Oh, now see, I'm taking this from the window. The window is open actually, so from window it looking better. Pretty nice. So once we arrive at the top, then we have actually a better view and the actual view from the top, but meanwhile we can enjoy this view while going up there. it's too long. No worries, we're still waiting. So we are arrived here, now we are going outside. So, oh, look at this. So this is wow. So I can see my sheep also is looking so tiny there. Look at this, it's looking so tiny, but it's actually 23 floors. And it's long, like 500 meter long ship. So as here I can see the snow, ice, mountains up there, and we have to go for a hiking as well on those mountains. ऊपर तो पहुंच गए और यहाँ से जो व्यू है ये बहुत ही ज़्यादा आलीशान है, इसी को बोलते हैं भाई एक्चुअली ग्लेशियर, इसको ग्लेशियर बोलते हैं, ऐसा लग तो नहीं रहा है कि हम नॉर्वे में हैं, बट एक्चुअली हम नॉर्वे में हैं। और ये जो ग्लासेस है इस पे खड़े होने के लिए मेरी तो फट रही है क्योंकि ये इतना टिल्ट है, देख सकते हो भाई लोग, देख सकते हो ये स्काई लिफ्ट है, अभी तो नीचे जा रही है ठीक है, और यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू है, और हम लोग अभी यहाँ ऊपर पहुँचने के बाद जो पीछे है ना, पीछे हम लोग हाइक करने वाले हैं, तो यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हो यार, बहुत अच्छा व्यू है।
मुझे डर लग रहा है इतना हाइट पे आके, ठीक है। वी आर अबव 5000 फीट, ठीक है, ग्राउंड लेवल से, और बहुत अच्छा व्यू है। तो अभी मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे स्काई लिफ्ट पे, ऊपर से यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग आते हैं, यही जो है ये अट्रैक्शन है यहाँ का, ओल्डन विलेज का, नॉर्वे में बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, और हमेशा हमेशा यहाँ पे क्राउड होता है। तो देख सकते हो आप, बट यहाँ का जो मतलब एक्चुअली ये वर्थ है, जो व्यू है ये वर्थ है, लुक एट दिस व्यू। और हमारा शिप भी है नीचे, शिप भी आप देख सकते हो, छोटा सा दिख रहा है इतना सा। चलो अभी हाइकिंग स्टार्ट करते हैं, और हमारा गाइड जो है वो वेट कर रहा है, अभी हम लोग वेट करेंगे, देखते हैं। सो यहाँ पे जो है आप कितना भी टाइम स्पेंड कर सकते हो, यहाँ पे कैफ़े भी है, कैफ़े है सुवीनियर शॉप से ऊपर, ठीक है। और बट ऑब्वियसली हर जगह होता ही है, जहाँ पर भी आप जाओगे स्काई लिफ्ट के लिए या फिर केबल कार के लिए, ऊपर जो भी व्यू पॉइंट होगा वहाँ से, तो आपको कैफ़े या फिर रेस्टोरेंट ऊपर मिलेगा ही, ठीक है। और ये देखिए अभी तो क्राउड है, आफ्टरनून में और भी ज़्यादा क्राउड होएगा, सो दिस इज़ जस्ट अ मॉर्निंग टाइम। तो अभी हम लोग ने जस्ट अपना हाइक स्टार्ट किया है, ठीक है, हमें जाना है इतना सबसे ऊपर, ओके, वहाँ पर। तो दिस इज़ ऑल आइस, ठीक है। अभी आपको काफ़ी इतनी आइस दिखेगी नहीं, बिकॉज अभी क्या समर टाइम है, तो ये सब जितनी भी आइस है सब मेल्ट हो चुकी है, अब थोड़ी बहुत ही बची है। और अगर मे बी आप इफ विल कम इन जुलाई, ऑलमोस्ट सब मेल्ट हो चुका होगा, तो आइस आपको देखने नहीं मिलेगा। यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का, यहाँ पे थोड़े लोग रुक गए हैं फोटोज निकालने के लिए, क्योंकि सभी को फोटो चाहिए ऑब्वियसली, ये लोग तो हर हफ्ता नहीं आते, हम ही लोग आते हैं एवरी वीक यहाँ पर। तो अभी हम लोग बर्फ़ में चलते चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो बर्फ़ में थोड़ा क्या है, संभाल के जाना पड़ता है, क्योंकि अगर गिर गया तो ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं, बट क्या है बर्फ़ ही है, वो थोड़ा सेफ रहना पड़ता है यहाँ पे, बट अच्छा है, लुक्स नाइस। और थोड़ी देर और है, ज़्यादा नहीं है, बट एटलीस्ट हाफ एन आवर मोर। So this is our guide, he's talking about this place, about the history. Seriously, I'm not interested in history, so I don't even listen. So we'll wait until he'll finish, uske baad we are going up, but every point he's going to talk something, okay. So aaj ki bhi hike khatam nahi ho rahi hai, hum log chalte to ja rahe hain, theek hai, chalte ja rahe hain, aur ऑलमोस्ट टाइम तो हो गया पहुंचने का, बट आज की भी हाइक ख़त्म नहीं हो रही है। ये देखो अभी तो और आगे जाना है, और आगे जाना है, ठीक है। तो और आगे जाते जाते देखते हैं कहां तक जाएंगे, मज़ा तो आ रहा है हाइकिंग के लिए। यहां का जो वेदर है, वेदर भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, इट इज़ 17-18 डिग्री यहाँ पर, और स्नो है तो अच्छा ही लग रहा है, ठीक है। स्नो में हम लोग को चलना भी पड़ रहा है, ठीक है। तो अच्छा है, इसके लिए जो है अच्छे शूज़ रेकमेंड करेंगे हम लोग, क्योंकि अगर आप नॉर्मल शूज़ पहन के आओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे स्लीपरी बहुत है, तो इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। So this is our final destination, as we arrived our destination. Now we are not going any further because I mean my guide is there, he's talking about this place, about the history, but I'm not interested, so I'm just staying away from there. So let him finish and then we'll stay here for some time and then we'll leave.
सो फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, ठीक है, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं हाइकिंग करके। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो ये व्यू है, फ्योर्ड का व्यू आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसके अंदर से जो है छोटे छोटे शिप्स जाते हैं और आपको बहुत अच्छा फ्योर्ड का व्यू मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे पीछे स्नो इतने नहीं है बट है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम लोग का हाइक तो कंप्लीट हो गया है और फिर हम लोग जैसे आए थे वैसे ही हम लोग वापस जाने वाले हैं, सेम वे, ठीक है। तो सेम वे फिर से हम लोग को 45 मिनट्स लगने वाला है नीचे जाने के लिए, बट नीचे जाना मतलब स्काई लिफ्ट के पास, ठीक है। उसके बाद वापस से हमें क्यू में खड़ा होना है स्काई लिफ्ट के लिए और फिर हम लोग बॉटम नीचे ग्राउंड पे पहुंचेंगे। तो एटलीस्ट यू नो 1 आवर लगेगा यहाँ से, बस स्टिल बहुत मज़ा आया, फन किया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाने वाले हैं हेलिसिड, हेलिसिड के अंदर एक्चुअली वहाँ से हम लोग गैरिंगर जाने वाले हैं। गैरिंगर फ्योर्ड जो है वो वर्ल्ड्स फेमस फ्योर्ड है, जो कि सबसे खूबसूरत है, सबसे ब्यूटीफुल है फ्योर्ड नॉर्वे के अंदर, ठीक है। तो जाएंगे और देखेंगे फिर नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मतलब मैं 2 दिन के बाद जाने वाला हूँ, तो फिर उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सच में वो खूबसूरत वीडियो, खूबसूरत फ्योर्ड है या नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।